वरी सिंह कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ हैप्पी सिंह। वरी सिंह उम्मीद है तुम्हें लाइफ स्टेज के हिसाब से नीड एनालिसिस करना आ गया होगा। हाँ हैप्पी सिंह, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपनी नीड एनालिसिस करी कि नहीं? हाँ मैंने कर तो ली, मैंने एक दो प्लान भी देख लिए, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। वरी सिंह कंफ्यूजन किस बात का है? अगर एक ही तरह का प्लान दो तीन कंपनीज में हो तो ये सोच रहा हूँ कि कौन सी कंपनी सेफ होगी ये प्लान खरीदने के लिए। अरे इतनी सी बात, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में बिना लाइसेंस के ऑपरेट नहीं कर सकती। हर इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस मिलता है जो कि IRDAI इश्यू करता है। ये लाइसेंस तभी मिलता है अगर ये कंपनी सारी कंडीशंस और रेगुलेशंस के हिसाब से एलिजिबल हो। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, जैसे RBI बैंक्स को रेगुलेट करता है। और IRDAI ने पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे रेगुलेशंस बनाए हैं जो सभी इंश्योरेंस कंपनीज फॉलो करती हैं। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट IRDAI रेगुलेशंस के अनुसार ही हो सकता है और IRDAI के अप्रूवल के बाद ही बेचा जा सकता है। तो वरी सिंह, तुम निश्चिंत होकर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से अपनी नीड के अनुसार प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेम रेगुलेशन फॉलो करती हैं और सभी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट IRDAI द्वारा अप्रूव्ड होते हैं? बिल्कुल वरी सिंह। अरे वाह हैप्पी सिंह, ये तो बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी आपने। अब मैं निश्चिंत होकर अपनी नीड के हिसाब से इंश्योरेंस प्रोडक्ट चुनूंगा बिना टेंशन के। ओके तो मैं चलता हूँ वरी सिंह, फिर मिलेंगे। अरे मुझे एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी थी। कस्टमर हमेशा इस चीज से कंफ्यूज्ड रहता है, कस्टमर ये कैसे कैलकुलेट करे कि उसे कितने इंश्योरेंस कवर की पॉलिसी खरीदनी चाहिए? ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसे किसी और दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मुझे मेरे बेटे के लिए एक नया फोन खरीदने जाना है। ओके हैप्पी सिंह, नो प्रॉब्लम, हम फिर कभी मिल लेंगे। बिल्कुल वरी सिंह, सी यू सून।